कानपुर के ग्वालटोली में मकबरा के पास एक घर में हो रही मजलिस में भीड़ जुटने की सूचना पर पुलिस जब आयोजकों को थाने ले आई तो सैकड़ों लोगों ने चौराहे पर जाम लगाकर मातम करने के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की तो नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव हो गया। थाने की फोर्स ने लाठी पटक कर दोनों पक्षों को हटाया। इलाके के लोगों ने बताया कि मंगलवार रात मकबरा निवासी डॉक्टर फरजान अली के घर मजलिस हो रही थी। इलाके के कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने आकर मजलिस बंद कराई और आयोजकों को थाने ले आई। पीछे पीछे 150 से ज्यादा लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने आयोजकों को छोड़ने की मांग की। पुलिस से पाई भी की विरोध में मकबरा चौराहे पर नारे लगाते हुए मातम शुरू कर दिया। घरों की छतों से दूसरे पक्ष के लोगों ने वीडियो बनाने लगे तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में दूसरी ओर से भी पथराव होने लगा। बताते चलें कि ग्वालटोली कोहना थाना की फोर्स ने भी लाठी पटक कर भीड़ को हटाया। इसके बाद मकबरा में वापस जाकर आयोजक पक्षों के लोगों ने दूसरे पक्ष पर मुखबरी करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज की। तब उस पक्ष से भी नोकझोंक हुई और जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने मकबरा पहुंचकर दोबारा भीड़ को हटाया और फोर्स तैनात की गई। आयोजक पक्षों के लोगों का कहना है कि मुहर्रम के दौरान घरों पर मजलिस की अनुमति दी गई है। मकबरा मैदान में दो दिन पूर्व पुलिस ने जाकर दोनों पक्षों के झंडे हटवाए थे, तभी से तनातनी चल रही थी। सूत्रों ने बताया है कि एक पक्ष के लोग मातम पूर्ति करने की अनुमति मांग रहे थे तो दूसरे पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो वहीं एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि मजलिस की सूचना पर पुलिस मकबरा गई थी और वार्ता के लिए आयोजकों को थाने लाई थी। इसके बाद तमाम लोग पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। दूसरे पक्ष से नोकझोंक या पथराव की जानकारी नहीं है। अगर कोई तहरीर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।